शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां बीजेपी जश्न के मूड में है, वहीं कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार के गिरने के 100 दिन पूरे होने पर काला दिवस मनाया और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने काली पट्टी बांधकर काले गुब्बारे छोड़कर विरोध जताया। भोपाल के बैरागढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के खिलाफ काला दिवस मनाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, लोकतंत्र की हत्या कर प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, इसीलिए काला दिवस मनाया जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नानक चंदानी के नेतृत्व में संतनगर में मुख्य चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर काले गुब्बारे छोड़कर भाजपा के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, भाजपा ने कई बार जनता के जनादेश का अपमान किया है। भाजपा सदैव प्रदेशों में जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराकर उन प्रदेशों में अपनी सरकारें बनाकर संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी आई है। कांग्रेस संत हिरदाराम नगर द्वारा जो आज से 100 दिन पहले लोकतंत्र की हत्या की गई थी, एक चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र करके पैसे के दम पर जिस प्रकार से सरकार गिराई गई थी, आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसी के तहत यहां पर आज काला दिवस मना रही है। देश के इतिहास में पहले ऐसा उदाहरण होगा जब मध्य प्रदेश में कोरोना पसार रहा था और बीजेपी वाले मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को बेंगलोर में बंधक बना के रखे थे। तो ये कोरोना फैलाने का पूरा श्रेय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शिवराज को है। और उन्होंने जब ये नहीं देखा कि कोरोना की वजह से लाखों लोग बीमार होंगे, कई लोग मरेंगे, लेकिन उन्होंने सत्ता चाहिए थी और उन्होंने 22 विधायक बेंगलोर में बंधक बना के रखे। और लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला शोर है कि एक राज्यसभा का सदस्य चुनाव के लिए लड़ रहा था दिग्विजय सिंह, उसको अपने वोटरों से तक मिलने नहीं दिया। तो ये लोकतंत्र की हत्यारी है और आज 100 दिन उस हत्यारी को, लोकतंत्र के हत्यारे को, जो अपना भी सरकार में मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हैं 100 दिन में भी, ऐसी सरकार के विरुद्ध आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संत हिरदाराम नगर द्वारा यह काला दिवस मनाया गया है। इसमें निर्वाचित और जनता के द्वारा चुनी हुई कांग्रेस की सरकार बनाई गई थी और मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को वोट दिए थे और उसके मुखिया हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में और अच्छी सरकार चल रही थी। ऐसी 1.5 साल में सरकार चली कि जो काम वर्षों से लोगों को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिखाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।